सो लेट्स फाइंड आउट थर्ड में क्या पूछा हुआ है ही सेड अ यू आर हेअ सो इट इट्स गिव्स यू एन सेंस कि आप कहीं ना कहीं खुश हैं यू आर बींग चॉइस और यू आर डिलईट डिलइटेड क्या होता है बच्चे जब आप खुश हो जाते हैं ठीक है यू फील हैप्पी अबाउट समथिंग तो हम इसमें कौन सी टर्म्स यूज कर लेते हैं डिलइटेड एंड जॉय जैसे हम इनडायरेक्ट फॉर्म में ले लेते हैं तो जो आंसर आता है लेट्स फाइंड आउट विच गोज ही इज़ क्लेम्ड विद डिलइट दैट आई विज देयर ही सेड दैट ही विज डिलइटेड दैट आई विज देयर ही इज क्लेम्ड विद जॉय टू सी मी देयर ही सेड इट वॉज अ जॉय टू सी मी देयर तो एग्जैक्ट आंसर जो थर्ड सेंटेंस के लिए आपका बनता है दैट इज फर्स्ट सेंटेंस बच्चे इज क्लेम्ड विद डेलाइट ठीक है आह जो आपको एक आया है शोज एक खुशी जाहिर करता है कि खुश है बोलने वाला एंड यू हम ऑब्वियसली इस प्रिजम्पन पे लेते हैं कि वो हमसे बोला गया यू आर हेयर तो इट आर आई विज देयर ये आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन ए एंड बी सी एंड डी कैंसिल हो जाते हैं राइट right?